हेलो स्टूडेंट, टेक आउट योर ईवीएस बुक। नाउ स्टार्ट योर सेकंड लेसन, आवर एक्सटेंडेड फैमिली। फर्स्ट लेसन में मैंने आपको आवर फैमिली के बारे में बताया था, परिवार के बारे में बताया था। ये भी आपके उसी से ही रिलेटेड सेकंड लेसन है, आवर एक्सटेंडेड फैमिली। इसका मतलब है बड़ी फैमिली। इट मीन्स ज्वाइंट फैमिली, बड़ी फैमिली जिसमें सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, चाचा चाची, ताया ताई, सब लोग जो है वो एक साथ मिलकर रहते हैं, उसे एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिली। फर्स्ट वन इज इमीडिएट फैमिली, सेकेंड इज एक्सटेंडेड फैमिली। इमीडिएट फैमिली कौन सी होती है? जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं एक स्मॉल फैमिली में रहती हूँ जिसमें मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब रहते हैं साथ में, वो कौन सी फैमिली कहलाती है? इमीडिएट फैमिली। इसको न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, इसको स्मॉल फैमिली भी कहते हैं, एंड इसको इमीडिएट फैमिली भी कहते हैं जिसमें सिर्फ मम्मी पापा भाई बहन इंक्लूड होते हैं और कोई भी इसमें इंक्लूड नहीं होता है। सेकेंड इज एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली कौन सी होती है? जिसमें पापा मम्मी बहन भाई दादा दादी अंकल आंटी कजिन्स, जिसमें सब इंक्लूड होते हैं, सब एक साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, जिसे हम ज्वाइंट फैमिली भी कहते हैं। जो ज्वाइंट फैमिली कहलाती है, जो हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ऊपर हमारी आंटी रहती हैं, उससे ऊपर हमारे ताई जी रहती हैं, हमारी ग्रैंड मदर रहती हैं, ग्रैंड फादर रहते हैं, सब एक साथ मिलकर रहते हैं, ऐसी फैमिली कौन सी फैमिली कहलाती है? एक्सटेंडेड फैमिली। अब हम आपस में मीटिंग कैसे कर सकते हैं? मीटिंग फैमिली मेंबर्स आपस में मिल कैसे सकते हैं? तो हम जो है हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली से हम किसी वेडिंग पर, किसी बर्थडे पार्टीज पर, कोई भी स्पेशल ओकेजन्स पर, या हम साथ में मिलकर पिकनिक जा सकते हैं, या हॉलीडेज में मिल सकते हैं, या किसी सुख में या किसी दुख में मिल सकते हैं। तो हम अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, इमीडिएट फैमिली में रहते हैं, तो हम अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से कैसे मिल सकते हैं? इन सब ओकेजन्स पर मिल सकते हैं। आप सबने देखा, हम एक साथ मिलते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं एक दूसरे से, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। हमारे बड़े भी जो हैं वो आपस में जब मिलते हैं तो बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, अपने कजिन के साथ हर बात शेयर करते हैं जो हम इतने दिनों से हम अपने अंदर रखते हैं। जब हम किसी ओकेजन पे मिलते हैं तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि हमारे सारे ही रिश्तेदार उस ओकेजन में होते हैं और हम फुल इंजॉय उसके अंदर करते हैं। फैमिली बॉन्ड। फैमिली बॉन्ड क्या होता है? देखिए, हमारी जो फैमिली है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है हमें, हमारी एक अच्छी पर्सनालिटी बनाने में, एक हमें अच्छा इंसान बनाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, हमें सोसाइटी से मिलाने में, उसके साथ तालमेल बिठाने में, और फैमिलीज के साथ अच्छा बॉन्ड बनाने में। हमें किस तरीके से अपनी सोसाइटी के साथ रहना चाहिए, किस तरीके से उनके साथ बिहेव करना चाहिए, ये सब क्या कौन सिखाता है? हमारे फैमिली बॉन्ड से हमें सीखने को मिलता है। हमारी जो फैमिली है वो एक हमें अच्छा इंसान बनाती है, और हमें जो है ना दूसरों के प्रति जागरूक बनाती है, हमें उनको किस तरीके से प्यार करना चाहिए, हम अपने आप को किस तरीके से सिक्योर महसूस करते हैं फैमिली बॉन्ड की वजह से। क्योंकि अगर हमें कोई भी परेशानी आती है तो कौन हमारी हेल्प करता है? हमारी फैमिली हेल्प करती है हमें, और हमें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें हमारी फैमिली हेल्प करती है। नेक्स्ट इज फैमिली टीच अस। देखिए, जो हमारी फैमिली है, जो हमारा घर है, वो एक सेंटर है जो हमें एक्टिविटीज सिखाता है। जब हम पैदा होते हैं, जब हम छोटे से होते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो फैमिली है वो हमें अच्छे मैनर्स
बड़ों की हेल्प करना, पोलाइटनेस, के हमें हमारा नेचर किस तरीके का होना चाहिए, हमें किस तरीके से बड़ों से बात करनी चाहिए, वो जो भी है वो कौन सिखाता है, वो हमारी फैमिली सिखाती है। क्योंकि हम छोटे जब होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, जब तो हम स्कूल नहीं जा सकते, तो गुड गुड मैनर्स, बैड मैनर्स, सब हम अपने स्कूल से पहले अपने घर से सीखते हैं। हमारे मम्मी पापा हमें अच्छी बुरी चीजें बताते हैं, बड़ों की इज्जत करना बताते हैं, अगर कोई भी हमारा फैमिली मेंबर है उसका हमें ख्याल किस तरीके से रखना है हमें वो बताते हैं, अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए तो उसकी रेस्पेक्ट किस तरीके से करनी चाहिए ये हमें बताते हैं। ये सब कौन बताता है, हमारे फैमिली मेंबर्स बताते हैं, हमें सिखाते हैं आगे तक के लिए। जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, उसके बाद हमारा स्कूल में एडमिशन होता है, उसके बाद हम आगे की पढ़ाई को पढ़ते हैं, उसके बाद हम और ज्यादा अच्छे गुड मैनर्स आगे चल चल के सीखते जाते हैं। जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। कैसी रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके ऊपर, आप घर के काम में हाथ बटाने लग जाते हैं। जैसे गर्ल्स होती हैं वो अपनी मम्मी का हाथ बटाती हैं, बॉयज होते हैं वो अपने फादर के साथ हाथ बटाते हैं। तो हमें वो एक अच्छी गुड वैल्यू सिखाते हैं, हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं कि हमें किस तरीके से डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ऐसी जो हमारे बड़े बहन भाई होते हैं वो उन्हें देखकर हम सीखते हैं कि हम उन्हें देखकर कॉपी करते हैं, वो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं कि जैसे जैसा वो करते हैं वैसे वैसे हम करते हैं, तो वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो हमारी जो फैमिली है वो हमें बहुत ज्यादा अच्छे मतलब अच्छी वैल्यू और डिसिप्लिन हमें सिखाते हैं। चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, आजकल क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट इंडियन फैमिलीज जो हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो हमारे फादर होते हैं वही कमाते हैं, वही अर्न करते हैं, और जो हमारी मम्मी जो है वो क्या होती हैं, वो हाउसवाइफ होती हैं, वो घर का ख्याल रखती हैं, वो बच्चों का ख्याल रखती हैं, और जो घर की जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं वो हमारी मम्मी संभालती हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो गई है। अब हमें देखने को मिलता है कि हमारे पापा भी कमाते हैं, मम्मी भी कई जगह पे कमाती हैं, वो बाहर कमाती भी हैं और घर का काम भी करती हैं। जो वर्किंग कपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अब ज्यादातर उनकी अर्निंग भी अच्छी हो जाती है तो वो मेड्स को रख लेते हैं, सर्वेंट्स को रख लेते हैं, जो बच्चों को भी देखते हैं और घर का भी ख्याल रखते हैं। ऐसा ज्यादातर इमीडिएट फैमिली में होता है। लेकिन जो ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर बच्चों का ख्याल ग्रैंड पेरेंट्स रख लेते हैं, और जो अदर फैमिली मेंबर्स होते हैं वो घर घर का ख्याल रखते हैं और बच्चों का भी ख्याल रखते हैं। आपकी एक्टिविटी दी हुई है, राइट एनी टू वैल्यूज यू हैव लर्न फ्रॉम योर फैमिली मेंबर। देखिए जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, जो भी आपने अपने घर से दो अच्छी बातें सीखी हैं, दो अच्छी बातों को आपने सीखा है, वो आपको दो यहाँ पर लिखनी है। ये आप खुद करेंगे, ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे, पहले लेसन को ऊपर रीड करेंगे, समझेंगे अच्छे से, और फिर यहाँ पर आप दो अच्छी उस वैल्यूज को लिखेंगे। सेकेंड एक्टिविटी इज Who all work to earn in your family? इसमें आपको लिखना है कि आपके घर में कौन कौन से मेंबर हैं जो कमाते हैं। वो आपके ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, कहीं कहीं मदर भी होती हैं। जितने भी लोग आपके घर में कमाते हैं उनका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। सेकेंड इज Who takes care of you when you reach home from school? आप जब भी स्कूल से घर जाते हैं तो आपकी केयर कौन करता है, आप उसका नाम यहाँ लिखेंगे। डिसीजन मेकिंग इन मैनी न्यूक्लियर फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादातर फैमिलीज में क्या होता है, जो फादर होते हैं वो अकेले एक होते हैं डिसीजन लेने के लिए। लेकिन जो ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें बहुत सारे लोग होते हैं डिसीजन लेने के लिए, जिनमें सबकी राय ली जाती है और जब डिसीजन लिया जाता है। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में, इमीडिएट फैमिली में खाली पापा ही होते हैं जो घर के मुखिया होते हैं, जिन्हें फादर लेते हैं डिसीजन। कहीं पर फादर नहीं होते, मदर होती हैं तो मदर डिसीजन लेती हैं, कहीं पे मदर नहीं होती फादर होते हैं तो फादर डिसीजन लेते हैं, कहीं पर ग्रैंडफादर होते हैं तो वो डिसीजन लेते हैं। ज्यादातर ज्वाइंट फैमिलीज में क्या होता है, जितने भी एल्डेस्ट वन होते हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, सबके डिसीजन लिए जाते हैं, सबकी राय मांगी जाती है, उसके बाद फिर कोई फैसला लिया जाता है, फिर कोई डिसीजन लिया जाता है। आजकल क्या हो रहा है कि ज्यादातर मोस्टली जो फैमिलीज हैं उनके अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं उनके अंदर थोड़े जो हमारे बच्चे हैं जो थोड़े से बड़े हो गए हैं उनकी भी राय ली जाती है, उनके भी ओपिनियंस लिए जाते हैं, डिजायर्स लिए जाते हैं, जो अपने ओपिनियंस रखते हैं, और फिर
और फिर जिससे उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है और उनके रिलेशन जो है आपस में स्ट्रांग होते हैं। आइए अब हम देखते हैं रीड एंड रिफ्लेक्ट। फर्स्ट इज मदर फादर एंड देयर चिल्ड्रन। देखिए जब जहाँ पर मम्मी पापा और बच्चे साथ में रहते हैं वो कौन सी फैमिली कहलाती है? इमीडिएट फैमिली, मैंने आपको बताया था। सेकेंड इज एक्सटेंडेड फैमिली, में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? जो सेपरेट होम्स होते हैं उनके और सब जो फैमिली मेंबर्स, बाकी फैमिली मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, साथ में रहते हैं, वो एक्सटेंडेड फैमिली होती है। थर्ड इज जो फैमिली गैदरिंग्स होती है, जब हम फैमिली कोई भी फैमिली का कोई भी ओकेजन ओकेजन होते हैं या फेस्टिवल्स पे मिलते हैं तो आपस में हम फीलिंग्स शेयर करते हैं, क्लोजनेस आती है, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे फैमिली मेंबर्स की रेस्पेक्ट करते हैं और उससे क्या होता है हमारी फैमिली बॉन्ड्स जो है वो अच्छे हो जाते हैं। फोर्थ इज जो हमारी फैमिली है वो हमें गुड वैल्यूज और डिसिप्लिन सिखाती है। फिफ्थ इज वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर शेयर्ड इन अ फैमिली। देखिए जो भी वर्क होता है, जो भी काम होता है, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो हमारी फैमिली हमारे भी शेयर कर देती है। सिक्स्थ इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि जो भी हमारे फैमिली के बड़े मेंबर्स होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं वो छोटों को भी इंक्लूड करते हैं, यंगर को भी इंक्लूड करते हैं अपने डिसीजन में, उनके ओपिनियंस लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे जो फैमिली के जो रिलेशंस होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, हेल्दी होते हैं और उससे क्या होता है हमारे आपस में प्यार बढ़ता है और हमारे फैमिली मेंबर्स के जो बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज टाइम। ए इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज वी मीट आवर डैश फैमिली ऑन स्पेशल ओकेजंस। देखिए जो भी आप लेसन में पढ़ चुके हैं, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको ये फिलअप्स करनी है। वी मीट अवर एक्सटेंडेड फैमिली ऑन स्पेशल ओकेजंस, इसी तरीके से आपको सेकेंड करना है, थर्ड करना है एंड फोर्थ करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए इसमें आपको लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपको रीड करना है और इसके आंसर आपको देने हैं। ये मैंने आपका पहले से ही करके रखा है, आपको अपनी नोटबुक में करना है। फर्स्ट का आंसर ये मैंने आपका पूरा यहाँ पर लिख दिया है, सेकंड का आपका मैंने ये पूरा लिख दिया है, थर्ड का भी एंड फोर्थ का भी। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है और आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट इज सी राइट एनी टू ओकेजन। कोई भी आपको दो ऐसे ओकेजन लिखने हैं जिसके अंदर आप अपनी अदर फैमिली मेंबर से मिलते हैं और आपने उनके साथ मिलकर क्या किया, आपको क्या लगता है आपको अपनी फैमिली मेंबर से जब आप मिलते हैं तो आपको क्या लगता है, कैसा फील होता है, इस बारे में आपको लिखना है। आपको क्या लगता है उनसे मिलना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये आप अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे और लिखेंगे। नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स। ये आपको फाइव क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें आपको ये आपको पूरे पूरे सेंटेंस दिए हुए हैं, ये आपको रीड करने हैं, ये आपका ट्रू है या फॉल्स है ये आपको लिखना है। फर्स्ट मैं आपका कर बता देती हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आप खुद करेंगे। फर्स्ट इज मीटिंग फैमिली मेंबर्स इज नॉट इम्पोर्टेंट। देखिए जो भी फैमिली आपस में मीटिंग करती है क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या आपको क्या लगता है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं? यस है, क्योंकि जब तक हम आपस में मिलके मीटिंग नहीं करेंगे तो हम कोई डिसीजन। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है वो करेंगे। ओके आज के लिए बस इतना ही, बाय।